हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, ये दिल्ली ट्रिप का तीसरा पार्ट आज आपके सामने ला रहा हूँ। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सीएसके का मैच देखने हम मैच नंबर 67 अरुण जेटली स्टेडियम गए थे, जहाँ पे आप सबको पता है कि सीएसके ने इस मैच को बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता था। जी हाँ दोस्तों, 77 रन से दिल्ली कैपिटल्स को अपने होम ग्राउंड में हराया था, जहाँ कि आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि धोनी की फैन फॉलोइंग इतनी थी कि यहाँ पे दिल्ली को कोई फायदा नहीं हुआ। जब हम ग्राउंड की तरफ जा रहे थे, स्टेडियम की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने जो रिक्शा वहाँ पे लिया था उसके नज़ारे आप देख रहे थे। अभी हम सीधा आपको ग्राउंड से, स्टेडियम से ये नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ पे एंट्रेंस गेट है। काफ़ी सारी चेकिंग के पासिस को पास करने के बाद, एरियाज को क्रॉस करने के बाद हम स्टेडियम के अंदर एंटर होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है वेस्ट स्टैंड थर्ड फ्लोर की तरफ, जहाँ हमारी टिकट्स जो है अकॉर्डिंगली हमारी बुक हुई थी। अब वहाँ पे हम जाके थोड़ा अपने सीट को जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रश इतना बहुत ज़्यादा था कि स्टेडियम में आपको क्या बताएं हम कि लास्ट में जब मैच शुरू हुआ तो आपको वहाँ पे कदम रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे हम ग्राउंड में जब एंटर हुए, स्टेडियम में एंटर हुए, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम और सीएसके की टीम जो है वो प्रैक्टिस करती हुई मैच से थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैच की टाइमिंग 3:30 बजे से शुरू था। तो हम ग्राउंड में पहले ही, स्टेडियम में पहले ही एंटर हो चुके थे। अरुण जेटली स्टेडियम, ये आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे इस वक्त। और जो स्टेडियम के अंदर स्टैंड्स का भी अलग अलग प्लेयर्स के नामों से वहाँ पे नाम रखा हुआ है। जैसे हम जिस साइड बैठे थे उसके लेफ्ट साइड गौतम गंभीर स्टैंड था, इसी तरह से दूसरे जो भी दिल्ली के प्लेयर्स होंगे उनका नाम वहाँ पे अलग अलग स्टैंड्स को दिया गया है। ये यहाँ पे आपको एरो की मदद से भी मैं दिखा रहा हूँ, ये है शैन वाटसन, जो वहाँ पे कैचेस की प्रैक्टिस जो है दिल्ली कैपिटल्स जो उन प्लेयरों को दे रहे थे। तो ये हम इनके बिल्कुल सामने थे। और माफ़ कीजिएगा, कैमरा का फोकस जो मैंने कोशिश की है इसको फोकस करने की, उतना प्रोफेशनल कैमरा तो मेरे पास नहीं था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉस का टाइम हो चुका था, तो टॉस जो है दिल्ली कैपिटल्स ने हारा था, जिसमें धोनी ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया था। यहाँ पे ये नज़ारे आप देख सकते हैं, साथ में बैकग्राउंड में आप जो शोर सुन रहे होंगे वो भी आप देख सकते हैं कि आईपीएल में लाइव मैच देखने का मज़ा कुछ और ही होता है, क्योंकि एनर्जेटिक इंसान बहुत फील करता है, क्योंकि वहाँ पे फैंस का शोर और वी वांट 6 वी वांट 4। और अगर बॉलिंग की साइड कोई आपने, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फैंस वहाँ पे बॉलिंग साइड वाले बैठे हैं तो वो वी वांट विकेट के नारे लगाते हुए आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सीएसके का मैच आप देख रहे होंगे, इसमें धोनी की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि ग्राउंड को, आप पूरा स्टेडियम को आप देख सकते हैं पीले रंग में रंगा हुआ है। हर जगह आपको येलो टी शर्ट सी देखने को मिलेंगी। अपनी बात करें, जो हम मेंबर्स यहाँ से गए थे, तो हमारी जो हम जिस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली वो सीएसके की ही टीम थी, इसलिए हमने भी मतलब मैंने नहीं, मेरे साथियों ने वहाँ पे येलो टी शर्ट्स ली। और आपको टी शर्ट्स ग्राउंड स्टेडियम के बाहर बेचने वाले मिल जाते हैं जब आपका मैच शुरू नहीं हुआ होता, यानी कि मैच शुरू होने से पहले। वहाँ पे 200 से 300 से 400 की भी टी शर्ट्स आपको मिल जाती हैं। जब मैच ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाती है, फिर वही टी शर्ट्स आपको 100-100 रुपये की भी बाहर मिल जाती हैं। तो ये ग्राउंड के कुछ नज़ारे आप देख रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स जो है वो फील्डिंग कर रही है और बैटिंग साइड जो है वो सीएसके है। और यहाँ पे बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था धोनी का, और इवन फैंस भी, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ग्राउंड स्टेडियम में बता रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अब आउट हो जाओ और धोनी को जो है वो पिच पे बुलाओ। तो अल्टीमेटली ऐसा होता है कि जब धोनी, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी शोर बैकग्राउंड में भी, धोनी जो है आउट, जो प्लेयर हुआ सीएसके का, उसके बाद यहाँ पे धोनी कुछ आखिरी ओवर में, क्योंकि बॉल काफ़ी कम बची थी, क्योंकि सीएसके के प्लेयर्स मुश्किल से आउट हो रहे थे। यहाँ पे ब्रॉडकास्टर वाला कैमरामैन आप देख रहे होंगे, तो मैं बात कर रहा था धोनी की। तो जब धोनी ग्राउंड पे आते हैं, स्टेडियम में आते हैं, पिच पे बैटिंग करने आते हैं, तो ये शोर आप सुन सकते हैं। तो कुछ ही बॉलें बची थी जब धोनी की बैटिंग का नंबर आया,
और यहाँ पे मैं आपको स्कोर कार्ड भी अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैंस हैं, ये वो मैच देखने वाले लोग हैं जो स्टेडियम में धोनी को, सीएसके को या दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करने आए थे। तो ये रश वहाँ था और मैच के चलते चलते आप देखेंगे तो ये रश बढ़ता ही जाता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं पिच पे है धोनी और सेकंड साइड पे भी प्लेयर है। इस वक्त मैं इसको जज यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो में। और यहाँ पे अब धोनी का जो बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि ये कब पहला शॉट खेलेंगे, तो अल्टीमेटली वो टाइम फैंस के लिए आ जाता है। और यहाँ पे धोनी जो है पहली बार अपने बैट से बॉल को हिट करते हुए, और फैंस का पीछे आप शोर भी सुन सकते हैं। तो काफ़ी इंजॉयबल था ये मोमेंट और लाइव आईपीएल 2023 को हमने वहाँ पे इंजॉय भी किया। और यहाँ पे आपको मैं और एक बात बता दूँ, जब आप स्टेडियम में लाइव मैच देखने जाते हो तो आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर भी वहाँ दिखती नहीं है, क्योंकि स्टेडियम बहुत बड़ा होता है। स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं इस वक्त, जहाँ पे स्कोर का भी आपको अगर पता करना हो तो आपको वहाँ पे स्कोर कार्ड की तरफ देख सकते हैं। आखिरी बॉल बची है 19.5 बॉल हो चुकी है लास्ट बॉल की, जिसमें बॉलर की ये खराब थी कि लास्ट बॉल भी जो है वो जो है नो बॉल हो जाती है, फ्री हिट हो जाती है। फ्री हिट के बाद जब एक बड़ी और बॉल कराने आती है तो वाइड बॉल चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये नो बॉल थी, और नो बॉल के बाद सिग्नल जो है फ्री हिट की आवाज़ जो एक अलार्म बजाया जाता है, उसके बाद जब बॉलर अपना आखिरी बॉल सीएसके की जो बैटिंग लाइनअप को करता है तो यहाँ पे ये बॉल भी वाइड चली जाती है। उसके बाद एक सिंगल निकाल कर इस इनिंग को पूरा कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये वाइड बॉल जाती है, वाइड बॉल के बाद एक बॉल और जो है बॉलर को करवानी होगी सीएसके के प्लेयर्स को। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पे साथ में ये बात बोल भी रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ही बड़ा स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम जो दिल्ली शायद फिरोशा कोटला इसे कहते थे पहले, तो ये वही वाला स्टेडियम है। अब ज़्यादा इसको मॉडर्नाइज किया गया है, अपग्रेड किया गया है, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। कुछ खास वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कुछ स्पेशल वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट स्टेडियम में मिलता है। बस ये बात वही है, थोड़ा सा अपना जो क्रेज़ होता है वो वहाँ पे जाके थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ आज जो है वो इंजॉय किया है। यहाँ पे पहली इनिंग जब ये ख़त्म हो जाती है आप देख सकते हैं धोनी वापस जो है पिच से बाहर निकलते हुए, और यहाँ पे उसके बाद जो है सीएसके है वो थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस करते हुए और उसमें थोड़ा सा रेस्ट भी दिया जाता है। तो कुछ फैन भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और हमारे जो मेम्बर्स आप ये टीम को देख रहे होंगे सभी लोग जो है सीएसके को ही सपोर्ट कर रहे थे, धोनी को ही सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टेडियम के अंदर जो फैंस थे वो सीएसके की पीली शर्ट लगाकर पीली जर्सी लगाकर खड़े हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर टॉप फ्लोर पे भी लोग इस लेते हुए, और यहाँ पे अभी इनकी जो सीएसके की बॉलिंग आ गई है, और बॉलिंग में अभी ये टीम मीटिंग हो रही है, और टीम मीटिंग के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं वहाँ पे बैट्समैन जो है अब जो है वो ग्राउंड में आते हुए, कैमरामैन इनको जो है आप भी देख रहे होंगे बैक साइड से वो जो है इनको जो है फिल्मा रहा है। और साथ में अब सीएसके की जो पूरी बॉलिंग लाइनअप है या फील्डिंग साइड है वो अब स्टेडियम में जो आ चुकी है, ग्राउंड पे उतर चुकी है। अब सेकंड इनिंग जब शुरू हो जाती है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीएसके ने इस मैच को काफ़ी बड़े मार्जिन से हराया था दिल्ली कैपिटल्स को, और काफ़ी एंटरटेनिंग रहा, काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी इंजॉय भी हमने किया थ्रू आउट द डे। अब आप देख सकते हैं ग्राउंड की लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं, शाम का वक्त था और तकरीबन हमने सारे ही ओवर्स आई थिंक 19 ओवर हो चुके थे जब हमें पूरा कंप्लीट अब पता चल चुका था दिल्ली कैपिटल्स जो है वो ये मैच हारने वाली है, और सीएसके एक बहुत ही बड़े मार्जिन से इस मैच को जीतने वाला है। तो यही जो है आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला था, दिल्ली ट्रिप का जो आखिरी पड़ाव था हमारा वो यही था, और उसी शाम को हम वहाँ से दिल्ली से वापस जम्मू की ओर रवाना हुए, और दूसरे दिन हम डोडा पहुँच गए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
तो दोस्तों जाते जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट जो है देना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।